बजे है सुबह के 6:30। ऑल सेट, अपना पहला राइड बेनेली टीआरके के ग्रुप के साथ। माउंटेन मैन डीजी मतलब दीपक गुप्ता सर को भी मिलना है आज। क्या ठंड है यार, सीरियसली पूरे उत्तराखंड राइड में ये ग्लव्स बैग से बाहर नहीं निकाले थे मैंने, मुंबई से केदारनाथ बद्रीनाथ करके नैनीताल करके वापस आने तक, लेकिन अभी कर्जत में पहनने पड़ रहे हैं। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. गुड मॉर्निंग गाइस। यार क्या भारी लगता है मालूम है, ऐसा सुकून मिलता है ये जान के कि मैं हेलमेट के अंदर से आपको गुड मॉर्निंग बोलूँगा और आप क्लियरली सुन पाएंगे। बाय द वे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वैसे आज का इस व्लॉग का राइड तो छोटा सा ही है, यहाँ से लोनावला तक ही जाना है बिकॉज तुंगारली लेक पे मीटअप है डीजी सर का। सच अ प्लीजेंट संडे मॉर्निंग। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम हाईवे से कनेक्ट होते हैं। हाँ जा बाबा, हेला ज़रा जास्त घाई है। आ वाह, व्हाट अ व्यू, लुक एट द सनराइज। बाकी लोग को मैंने बोल दिया आप लोग थोड़ा आगे निकल जाओ क्योंकि मुझे फ्यूल अप भी कराना है खोपोली में। लगता है सब लोग पहुँच नहीं गए, सब लोग पीछे रह गए। एनीवेज कोई नहीं है तो अकेले चलेंगे, खंडाला घाट को एंजॉय करेंगे। चलो इस बार खंडाला घाट को 360 में एंजॉय करते हैं। पहुँचते गए लोनावला, अभी ढूंढना पड़ेगा पुणे से आने वाले लोग कहाँ पे है क्योंकि मुंबई वाला तो कोई नहीं मिला। ये तो गड़बड़ वाला सीन हो गया, मैं बाहर हाईवे पे रुका था, चाय वगैरह पिया, मस्त वेट कर रहा हूँ कि पुणे वाले लोग भी आएंगे, और पुणे वाले लोग ने आगे वाला टर्न ले लिया, पहुँच गए डेस्टिनेशन पे। अभी ये फुल ऑन जंगल वाले रास्ते पे है शायद, तुंगारली लेक एक ही बार गया था लास्ट ईयर जब राजमाची के लिए गया था एक्टिवा लेके यहाँ से मॉनसून में। देखा नहीं है तो देखो, वो भी ब्लॉग लिंक है यहाँ पे। एक्टिवा लेके राजमाची का पूरा ऑफ रोडिंग किया था, बहुत मज़ा आया था उसमें। ओह वाह, यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल हियर। वैसे तो यहाँ पे मुझे ड्रोन फ्लाई करना था, पूरे बाइक्स के लाइनअप का एरियल शॉट लेना था, लेक का एरियल शॉट आपको दिखाना था, दीपक सर का इंटरव्यू भी लेना था, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी ना कि सब कुछ बंद करके मुझे रखना पड़ा और सिर्फ ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के फिर मैंने दीपक सर से रिक्वेस्ट की कि ब्रेकफास्ट के टाइम पर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, और फिर हम यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। अब दिखाता हूँ आपको पूरा लाइनअप, कितने लोग हैं यहाँ पे एक दीपक सर से मिलने के लिए। ये देखो, ये शुरू और शायद ख़त्म होने तक ब्रेकफास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि इतनी सारी बाइक्स है कि 1.5 किलोमीटर का तो ये लाइनअप होगा ही, अजून भरपूर है। इसमें डोमिनाज है, इसमें एवेंजर्स है, हर तरह की बाइक्स है। एंड हियर इज द मैन हिमसेल्फ, दीपक सर। और गौर से देखो इसको, ये है बंदा जो बिना राइडिंग गियर्स के आया इधर। अरे मैं पहले बोल के आया।
वेल तुंगारली लेक वॉज अ ब्यूटिफुल लोकेशन, लेकिन वहाँ पे इतनी हवा चल रही थी ना कि वहाँ पे अगर मैं बात करता तो भी आपको सुनाई नहीं देता। और सबसे इम्पोर्टेंट दीपक सर से बात करनी थी, तो उनके थॉट्स आपको सुनाने थे, तो आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन कि वहाँ पे बातें नहीं की। लेट्स वेलकम सर। हाय हाय फ्रेंड्स, अभी आपको इंट्रोड्यूस मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ख्याल से इंट्रोडक्शन क्या, आई एम जस्ट अ बाइकर लाइक एनएल्स, थोड़ा सा राइडिंग कर लिया, थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बता दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा। थोड़ा सा ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार वो। 14 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, लास्ट बिग राइड अलास्का टू एंटार्क्टिका, 51,000 किलोमीटर, 15 कंट्रीज, 2 कॉन्टिनेंट्स इन 5 मंथ्स। और अभी जो मैं आपके सामने आया हूँ विद अ पर्पस, आई हैव इनिशिएटेड अ कैंपेन और जिसका नाम है आई राइड रिस्पॉन्सिबली। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आजकल दिल्ली पुलिस हो, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, वो आजकल बाइकर्स को इस नज़र से देखते हैं जैसे हम सिर्फ होलीगनिज्म करने के लिए या स्टंट करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, स्पेशली अगर आपने राइडिंग गेयर डाले तो बहुत सारे ऐसे राइडर बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि रेसर हो। हाँ, सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले हैं जहाँ विलेजेस में या वहाँ हमको रोक के पीटा तक गया है। तो आई वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस, सो एज सबसे पहले मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबली राइड करूँगा, दूसरा लेट अस क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर बाइकर्स टू बी रिस्पेक्टेड, एक्सेप्टेड बाई दी सोसाइटी एज अ गुड कम्युनिटी। तीसरा, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको हेलमेट पहनना है, आपको हेडलाइट लो बीम पे चलाना है, आपको अपना प्रॉपर गेयर्स में चलाना है, आपको रोड यूज़र को तकलीफ नहीं होने देना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना है। आप अगर देखें, मैं आज इस समय पुणे में हूँ, अगर आप अभी भी सुन पा रहे होंगे कितना हॉर्न बज रहा है, जबकि ये लॉकडाउन पीरियड है। इमेजिन ये जब रेगुलर डे होगा तो कितना हॉर्न है। नॉइज़ पोल्यूशन से हम स्ट्रेस लेवल्स और डिप्रेशन को तो बीमारी मानते ही नहीं, जबकि वो सबसे बड़ी बीमारी है। एंड नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट्स अ मेजर रोल इन हैविंग डिप्रेशन। सो मेरी सब लोगों से अपील है कि यू शुड राइड रिस्पॉन्सिबली, बिहेव ऑन दी रोड्स, और सब लोग मिलजुल के रहो, जैसे जंगल में सब जानवर मिलजुल के रहते हैं, राइट? और राइट से रॉक, सी यू समटाइम ऑन दी रोड्स। बाय द वे सर, आपका जो आई राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टिकर है वो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप खुद लगाएं मेरे बाइक पे। आई राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टिकर इस समय 92 लोकेशंस पैन इंडिया अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वो स्टिकर अपनी सिटी के हिसाब से अपने कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं। किसी को दिक्कत आ रही है तो वो मुझे पिंग करें, आई विल अरेंज कि वो स्टिकर आप तक कैसे पहुँचे या आप उस शख्स तक कैसे पहुँचे जिससे स्टिकर मिल सकता है। वाह, मेरी बाइक पे आप खुद लगाएंगे? जरूर, मैं खुद लगाऊंगा। चलो दैट्स इट। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता है किसको कॉल करना है, नीलेश सर एज यूजुअल, बजाओ घंटी। एनीवेज, दीपक सर का इंस्टाग्राम हैंडल आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। बाय द वे, दीपक सर से यहाँ मिलने के लिए कितने लोग हैं देखो, पूरे कुमार रिसोर्ट का जितना सीटिंग एरिया है ना उसमें से आधा वो टेबल अपने लोगों का है, वो टेबल वहाँ पीछे, उधर एक टेबल, वो टेबल, ये टेबल, मतलब आधा कुमार रिसोर्ट अपने लोगों से भरा हुआ है। राइडर्स फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, मुंबई से कम है, पुणे से ज़्यादा राइडर्स आए हैं आज इनके साथ। द बेस्ट पार्ट इज फ्रॉम हियर टिल पुणे हम साथ में राइड करने वाले हैं, बिकॉज एज यू हर्ड दीपक सर अभी निकले हैं यहाँ से गुजरात के लिए, तो पुणे में ही इज गोइंग टू मीट पृथुदा फ्रॉम हैदराबाद, और फिर वहाँ से वो लोग निकलेंगे नासिक की तरफ। और मैं इतना तैयार होकर आया हूँ बाइक पे, बैग वगैरह लगाए, तो अपना डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट एक ही होता है हमेशा, सोलापुर। तो पुणे तक साथ में चलेंगे, पुणे में उनको सी ऑफ करेंगे, राइड के लिए बेस्ट विशेस देंगे और फिर अपने सफ़र पे निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले बिफोर ही गियर्स अप, बाइक पे स्टिकर लगाना है। So now the sticker has been pasted on the bike and now Kundan is going to say something. Okay.
So I pledge to mountain man Deepak Gupta sir that I will actually I ride responsibly and I will continue to ride responsibly and I'll also try to make it I'll make it a point के जितने लोगों को हो सके मैं बताऊँ ये बात कि अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो बस बाकी जो भी हो जाए अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना हो. थैंक यू. इट वॉज अ ग्रेट ऑनर सर. बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये टाइम स्पेंड करते. बाय द वे अभी जैसे मैंने आपको बताया दीपक सर को अभी गुड बाय नहीं बोलना है बिकॉज वी आर गोइंग टू राइड टुगेदर. एटलीस्ट 50 किलोमीटर इनके साथ राइड करने का ऑनर अपने को मिल रहा है यहाँ से पुणे तक. तो चलो बाइक पे मिलते हैं फिर. 10 मिनट पहले ये पूरा पार्किंग लॉट भरा हुआ था हमारी बाइक से, अभी पूरा खाली हो गया. सब लोग निकल चुके हैं. आई एम द लास्ट वन टू लीव. यार आज इस तरफ कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है और अभी इट्स टोटली हेडविंड. पूरी सामने से हवा आ रही है. बाय द वे वी आर 6 बाइक्स टोटल नाउ. 3 बेनेली TRK, 2 डोमिनार इंक्लूडिंग 1 ऑफ दीपक सर और 1 NS 200. रुतुदा से अभी बात हुई, वो ऑलरेडी हैदराबाद से सुबह निकल के 11 बजे ही सेड मैं पुणे से 20 किलोमीटर पीछे हूँ. ऑफकोर्स ही इज़ राइडिंग अ ट्रम्प टाइगर. तो ही इज़ नॉट राइडिंग, ही इज़ फ्लाइंग अ टाइगर. अभी मेरा बहुत ही अच्छा पोपट हुआ है. वहाँ पे मीटअप में इतनी बाइक्स थी ना कि सबके तो मतलब कौन सी बाइक थी, नंबर क्या थे वगैरह याद रखना तो पॉसिबल नहीं था. तो आई वॉज अज्यूमिंग कि हम 6 लोग साथ में राइड कर रहे हैं, लेकिन वो और एक डोमिनार और जो NS थी वो इतने टाइम तक साथ में राइड कर रहे थे और अचानक से मुड़ गए कहीं पे. सो एज इट टर्न्स आउट हम 4 ही लोग हैं, 3 बेनेली और दीपक सर. मुझे लगा था 6 लोग हैं साथ में. अच्छा लगता है ना सब बाइक्स ऐसे पूरे लोडेड देखने में. ऐसा फील नहीं होता कि ब्रेकफास्ट राइड पे आए हैं. वैसे एक्चुअली वो हार्ड पैनियर्स है तो वो तो हमेशा माउंटेड रहेंगे. दीपक सर ब्रेकफास्ट राइड पे है ही नहीं, वो यहाँ से निकल रहे गुजरात और अपने लिए भी ब्रेकफास्ट राइड नहीं है. इतने सालों से काम चल रहा था इस फ्लाईओवर का, फाइनली ओपन हो गया है. और यहाँ पे सबसे ऊंचे नेशनल फ्लैग के रेस में और एक आ गया शायद. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, अमेजिंग. फ्लाइंग टाइगर सर हैदराबाद से कितना टाइम लगा? 6 घंटे हैदराबाद से. हेलो सर कुंदन, ये दोनों अभी यहाँ से सीधा गुजरात के लिए निकलने वाले हैं. ऋतुदा इधर आइए. उमलिंगा बाबा देखो जी, वी फील प्रिविलेज टू पुट आई राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिकर ऑन ऋतुदास मशीन. And now Prithuda will pledge karo mountain man ko ki I will ride responsibly. I will ride responsibly. By the way, Prithuda ka naam suna nahi hai, to Umlingla Baba naam suna hoga. Nahi, mat bolo. Bade badnaam hote the naam se. Nahi sir, hum to abhi bhi sapna dekh rahe hai kabhi ja paaye. Nahi hoga nahi sir. Simple si baat thi. It was never for civilian. Yes. It was under construction. We got an opportunity, no one saw it, we did it. Nahi hai. यहाँ पे सारी ऐसे मतलब हाथियों का मेला लगा हुआ है. लुक एट दिस, 3 TRK, 1 डोमिनार जो डोमिनार से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है और अभी तो एक टाइगर आके खड़ी है. तो इट्स एन अमेजिंग फील. पहली बार ऐसे सुपर बाइक्स के लाइनअप में खड़ा हूँ मैं. एंड एज वी से गुड बाई टू देम एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द राइड, लेट्स एंड द ब्लॉग ओवर हियर. एज यू नो अभी अपना नया माइक सेटअप हुआ है, तो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ बेनेली के साथ मैंने जो पिछले 2 ब्लॉग शूट किए थे जो मैंने पोस्ट नहीं किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शूट अगेन. तो यहाँ से आगे विल स्टार्ट अनदर ब्लॉग जो आपको इसके बाद आगे देखने मिलेगा. फॉर नाउ लेट्स एंड द ब्लॉग ओवर हियर. आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स. तो बहुत सही है.
अभी महीना भी नहीं हुआ है वो लेके, पूछो मत फील कैसे। स्वैप करेंगे अपन जल्दी। चलो सर, राइड सेफ, एंजॉय।